बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरजेडी के पूर्व सांसद सीताराम यादव से, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 27 जनवरी को बकायदा वो बीजेपी में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां पर उनके भाई ये कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, उनका ये कहना है कि किसी के कहीं भी चले जाने से वो भी अपने स्वार्थ के लिए फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। अब हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपको याद होगा कि खरमास से लगातार ये कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से कि बहुत जल्द पार्टी जो है आरजेडी वो टूट सकती है। दूसरी तरफ आरजेडी ये कहती थी कि जेडीयू बहुत जल्द टूटेगी, लेकिन बीजेपी ये बात हमेशा से और शुरुआत से कहती आ रही है कि जरा इंतजार कर लीजिए, देखिए कैसा भूचाल आता है आपकी पार्टी में। लेकिन यहां अगर बात हम करेंगे इन पूर्व सांसद की, तो इनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि इनको आरजेडी 6 साल के लिए अपनी पार्टी के जो पार्टी से निष्कासित कर चुकी है, प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर चुकी है, और वो भी इसलिए क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में 2019 में कहा गया कि ये शामिल थे, और तभी से इनको पार्टी अपने आप से अलग कर चुकी है। और ऐसे में अब ये बीजेपी से प्रभावित हो गए और बीजेपी में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। लेकिन उस पर क्या कुछ राजनीति हो रही है, एक बार आपको सुनना चाहिए। आरजेडी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। पार्टी के सांसद रहे सीताराम यादव अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। सीताराम यादव 27 तारीख को बीजेपी का दामन थामेंगे और आरजेडी से सांसद रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और वहां पर यह बताया जा रहा है कि सीताराम यादव बीजेपी का दामन थामेंगे। दरअसल सीताराम यादव 2019 लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन आरजेडी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 2020 में भी वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी आरजेडी में उनकी उपेक्षा हुई, और जिसके बाद वो नाराज हो गए थे और पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उसके बाद सीताराम यादव ने फैसला लिया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। सीतामढ़ी के कद्दावर नेता हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश शुरू कर दी है और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी चल रही है। कैमरामैन निशांत के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो जैसा कि आपने देखा कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि देखिए कैसे तोड़ ली हमने आपकी पार्टी को, क्योंकि ये बात तो शुरुआत से कही जा रही थी। अब जाहिर सी बात है, भले ही पूर्व सांसद रहे हों लेकिन हैं तो आरजेडी में ही, और भले ही निलंबित हैं अभी लेकिन थे तो आरजेडी के ही, ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की जो बात कही जा रही थी उसमें तो कामयाब बीजेपी होती दिख रही है। अब इस पर जो राजनीति हो रही है उसमें एक तरफ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उनके ये भाई हैं, और उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ बीजेपी कैसे कह रही है कि हमारी नीतियों से प्रभावित हो गए, ये दोनों बातें आपको सुननी चाहिए। किसी के जाने आने से आरजेडी कभी कमजोर नहीं होती है। जो इसका बेस वोट है और ज्यादा बढ़ता चला गया है और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो स्वयं आ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो विकास का एजेंडा है, हमारा जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का के करीब पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हर एक समुदाय के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, तो जिस तरीके से आपने सुना, और जाहिर सी बात है अभी इस पर राजनीतिक पारा और गरमाएगा, लेकिन फिलहाल बयानबाजियां जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, शुरुआत से ही याद है मुझे जिस तरीके से खरमास से पहले से हम ये बातचीत कर रहे हैं कि एक तरफ ये कहती थी आरजेडी की बहुत जल्द जेडीयू टूटने वाली है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती थी कि आप रुक जाइए और देखिए कि आरजेडी में कितनी बड़ी टूट होती है। यहाँ पर इनका आना, एक तरीके से पार्टी में शामिल होना पूर्व सांसद का, कितना बड़ा जख्म दे जाएगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, एक चीज तो समझना होगा, सीताराम यादव की पहले जो शख्सियत है वो पहले जानने की जरूरत है। सीतामढ़ी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं,
पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अपनी पैठ है सीताराम यादव की। 2019 लोकसभा चुनाव में वो किस्मत आजमाना चाहते थे लेकिन वहाँ पर आरजेडी ने नज़रअंदाज कर दिया। 2020 में भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया, तो वो नाराज चल रहे थे और बाद में ये हुआ कि पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर के सीताराम यादव को निष्कासित कर दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पर सीताराम यादव के पास विकल्प अब यही था कि कुछ नया सोचें, कुछ नया देखें या फिर वो किसी दूसरे दल का दामन थामे, तो बीजेपी उन्हें बेहतर विकल्प लगी। और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी चुनाव के बाद आमतौर पर दल बदल की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन चुनाव के बाद अभी आपने देखा होगा कि जेडीयू से कुछ निर्दलीय विधायक जुड़े हैं, अब बीजेपी ने सीताराम यादव को जोड़ा है। तो ये सिर्फ सीताराम यादव को जोड़ने की बात नहीं है, यादव वोट बैंक में सेंधमारी की बात है। और बीजेपी ये बताना चाहती है कि यादव समुदाय में बीजेपी को लेकर के एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच है और एक्सेप्टेंस है, और यही वजह है कि जो यादव समुदाय के नेता हैं वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज है और इस मैसेज के जरिए बीजेपी ये चाहती है कि जो एक वोट बैंक है यादव समुदाय का उसमें अपनी पैठ बनाई जा सके। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष अक्सर हम देखते हैं कि चाहे जो भी हो जाए एक फील गुड फैक्टर जो है वो राजनीति में होना चाहिए और वो जरूरी भी है। आपके विरोधी पार्टियों को आपका फील गुड फैक्टर वाला वो चेहरा दिखना चाहिए और शायद यही वजह है कि उनके खुद के भाई कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए स्वाभाविक तौर पर भाई वीरेंद्र से जब हमने बात करने की कोशिश की तो पहले तो वो तैयार नहीं थे लेकिन फिर बाद में वो तैयार हुए और उन्हें ये पता है कि ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। ये बात सही है कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई कर दी गई थी और ये भी होता है आमतौर पर कि चुनाव के वक्त कार्रवाई होती है लेकिन बाद में मान मनोबल के बाद सब चीज़ ठीक हो जाता है। सीताराम यादव लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी एक समय माने जाते थे इलाके के, और चूंकि अब सीताराम यादव तक ही बात सीमित नहीं है, माफ कीजिएगा, सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक बात सीमित नहीं है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का समय चला गया, अब तेजस्वी यादव का समय है। तेजस्वी यादव जिस तरह से चाहते हैं उस के मुताबिक पार्टी चलती है। और आपने पिछले बार भी देखा होगा चुनाव से पहले जब जिला अध्यक्ष बदले जा रहे थे तो लालू प्रसाद यादव के करीबी पुराने जो यादव समाज के नेता थे उनको हटा दिया गया, नए चेहरों को लाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर सीताराम यादव को कोई तरजीह नहीं मिल रही होगी और यही वजह है कि उनको लगा कि अब नया जगह देखने की जरूरत है और यही वजह है कि सीताराम यादव बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के।